एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है और वो खबर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जिसमें चाइना को आपत्ति है। चाइना कह रहा है भारत को कि आप वसुधैव कुटुंबकम का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। चाइना को आखिर ये आपत्ति क्यों हुई? G20 की मीटिंग में पहले भी चाइना ने कई गड़बड़ झाले किए हैं। इस वक्त चाइना खुद बड़ी संकट से जूझ रहा है। बाढ़ की ऐसी विभीषिका है कि खाने के लिए भी अब मुश्किलें खड़ी होगी। फिर भी G20 में क्या बहुत सारे अड़ंगा लगाए चाइना ने, और जानेंगे चाइना का क्या व्यू है, चाइना ने क्या रिप्लाई दिया है। जियोपॉलिटिक्स में धमाल मचा हुआ है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। G20 की अध्यक्षता जब भारत के हाथों में मिली ना, तो खास तौर पर हमारे दो पड़ोसी बिल्कुल भी खुश नहीं थे। उन दोनों पड़ोसियों के बारे में आपको समझ में तो आ ही रहा होगा। ये चीज हमने देखा G20 मीटिंग के वक्त भी। हमने देखा कि G20 मीटिंग से पहले SCO की मीटिंग हुई। उस SCO की मीटिंग में बिलावल भुट्टो आया, और बिलावल भुट्टो ने आते ही यहाँ पर स्टेटमेंट दिया, इंटरव्यू दिया, इतना में हमें समझ में आ गया कि G20 की मीटिंग बिल्कुल भी फूटी आंख नहीं सुहा रही है दोनों देशों पर। खैर क्या करें, भारत को अध्यक्षता मिली है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और इस जिम्मेदारी के साथ बहुत सारी चीजें हो रही है। पहली बात तो ये, इस इवेंट को सफल बनाना भारत के लिए बहुत जरूरी है। एक मामला अटका हुआ है, और वो मामला अटका हुआ है कि अभी तक सारे देश मिलकर एक जॉइंट स्टेटमेंट नहीं निकाल पा रहे हैं। मामला जाकर रूस यूक्रेन युद्ध में अटक जा रहा है, इस वजह से अभी तक जॉइंट स्टेटमेंट नहीं निकला है। अब अगले कुछ महीनों में और भी मीटिंग्स होनी है, उसके बाद तक में देखा जाएगा कि सहमति बन पाती है या नहीं बन पाती है। भारत के लिए बेहद जरूरी है कि इस इवेंट को सफल बनाना है तो एक जॉइंट स्टेटमेंट भी जारी हो। वैसे आपको बता दें, इस मीटिंग के दौरान कई तरह के मतभेद निकल कर सामने आए। एक मीटिंग हुई क्लाइमेट क्राइसिस को लेकर। इस वक्त बात करें तो चाइना में स्थिति कैसी है? बाढ़ की स्थिति किसी से छिपी हुई नहीं है। चाइना में बाढ़ की वजह से स्थिति बहुत खराब हो रही है, और अब तो ऐसी स्थिति हो गई है कि अब मीडिया हाउस इस बात को कहने लगे हैं कि चाइना में आने वाले समय में खाने पीने की चीजों की कमी होगी। स्क्रीन पर आपको CNN की रिपोर्ट दिख रही है। इस CNN की रिपोर्ट में ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से चाइना के खास तौर पर बड़े वाले ग्रेन प्रोड्यूसिंग रीजन, यानी कि वैसी जगह है जहाँ से बहुत ज्यादा अनाज निकलता था, उस पर ही टाइफून डॉक्सुरी का असर पड़ा है, जो नॉर्दर्न इलाका है चाइना का, उसी जगह पे पड़ा है, और इस वजह से जो मौतें हुई है सो हुई है, पर फसलें पूरी तरीके से खराब हो रही है, और कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं कि यहाँ पर हालात जल्दी सुधरेंगे। तो अब मीडिया हाउस ने ये कहना शुरू कर दिया है कि जिस इलाके पर हमारे बहुत सारे फसल थे, अनाज थे, वो सब कुछ पानी में डूब गया है, आने वाले समय में बहुत दिक्कत होने वाली है। एक तो बहुत ज्यादा गर्मी थी, गर्मी की वजह से फसल ठीक नहीं हो पाई, और दूसरा इस बाढ़ ने सब कुछ गड़बड़ कर दिया है। मार्च महीने में जिनपिंग ने ये प्लान किया था कि सारा कुछ अगर सही रहता है तो हम एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस करेंगे, और खाद्यान्न कम से कम हमारे यहाँ जितना होगा, हमारे खाने लायक तो खाद्यान्न हो जाए, लेकिन यहाँ सीन तो बदलता नजर आ रहा है। ये असर किसका है? ये असर सिर्फ चाइना की बात ही नहीं है, दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन का असर देखने को मिल रहा है। ये कहिए कि इस वक्त चाइना के ऊपर प्रकृति कुछ ज्यादा ही नाराज है और टूट पड़ी है। तो कहीं न कहीं क्लाइमेट क्राइसिस को लेकर, जलवायु परिवर्तन को लेकर एक आम सहमति बननी चाहिए, लेकिन एक आम सहमति बन नहीं पाई। G20 की मीटिंग में जो वो देश थे, कई सारे देशों ने आरोप लगा दिया कि चाइना ने साइन नहीं किया। चाइना ने क्या साइन नहीं किया? तो कुछ डेट तय किए गए थे, जैसे कि G20 मीटिंग में ये डेट रखा जा रहा था, ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को हम 2025 तक लिमिट कर देंगे, और 2030 तक हम 43%
कम कर देंगे। पर चाइना का कहना था कि जी नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट दिख सकती है। ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट में इस बात को साफ साफ कहा गया कि चाइना के फॉरेन मिनिस्ट्री के जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि हम मीडिया, जो खास तौर पर वेस्टर्न मीडिया है, चाइना के ऊपर आरोप लगा रही है कि हम कमिटमेंट से बाहर निकल रहे हैं मीटिंग से, जबकि ये हमारी बात नहीं है। जियोपॉलिटिकल तरीके से जो मीटिंग है, उस मीटिंग को मोड़ा जा रहा है। अब इसी आर्टिकल में ये कहा गया है कि यूरोपियन डेलीगेशन, इनका कहना है कि चाइना और सऊदी, इन दोनों ने कमिटमेंट से बाहर आ गए। ये ग्रीन हाउस, ये क्लाइमेट चेंज के लिए कुछ नहीं करना चाहते हैं, तो ये गलत है। दरअसल जो विकसित देश हैं, विकसित देशों ने खूब सारा ग्रीन हाउस निकाला, ये डेवलप हो गए, समय का इन्होंने फायदा उठाया और अब हमारे ऊपर ये थोप रहे हैं, एक ऐसा टारगेट थोप रहे हैं जो कि मिशन इम्पॉसिबल है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ग्लोबल टाइम्स की ये कटिंग, जिसमें ये कहा गया, डायरेक्टर हैं चाइना के सेंटर फॉर एनर्जी इकोनॉमिक रिसर्च के, सियानमेन यूनिवर्सिटी के। इन्होंने कहा कि जो टारगेट दिया जा रहा है डेवलप्ड कंट्रीज द्वारा, यानी विकसित देशों द्वारा, वो टारगेट संभव नहीं है मीट कर पाना। वैसे आपको बता दें, ग्लोबल टाइम्स ने थोड़ा यूरोप का यहाँ पे पक्ष लिया है और ग्लोबल टाइम्स ने ये कहा कि चूंकि इस बार गर्मी बहुत ज्यादा पड़ी, तो यूरोप तो सचमुच में चाह रहा है कि क्लाइमेट कंट्रोल हो और सब कुछ ठीक हो, लेकिन अमेरिका तो सिर्फ खाली बात ही कर रहा है और राजनीति कर रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहा है। बहुत लंबा चौड़ा आर्टिकल है जो ग्लोबल टाइम्स ने क्लाइमेट चेंज को लेकर, जो उस पर दोष दिया जा रहा है, उसको लेकर कहा है। पर G20 में सिर्फ यही मुद्दा नहीं है जिस मुद्दे के पीछे है। समझ लीजिए कि चाइना को ऐसा लगता है जैसे भारत का हर मुद्दा ही गलत है। अभी कश्मीर में मीटिंग हुई तो एक चीज तो समझ में आया कि चाइना दोस्ती निभाएगा, और इस दोस्ती निभाने के चक्कर में चाइना कश्मीर में नहीं गया। खैर, दोनों आयरन बिरादर ने ये फैसला लिया, पर अब चाइना को आपत्ति है किस चीज से? भारत के वसुधैव कुटुंबकम से। अब ये क्या चीज है? हम देख रहे हैं कि G20 के जो लोगो है, थीम है, उन हर जगह लिखा हुआ है वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम से खासी आपत्ति हो गई है चीन को। ये क्या है? ये एक महा उपनिषद का संस्कृत का एक शब्द है। इस बार G20 की थीम, जिसमें मेजबानी भारत कर रहा है, पिछले महीने जारी किए गए G20 ऊर्जा मंत्रियों की मीटिंग के बाद जो आउटकम डॉक्यूमेंट जारी किए गए हैं, उनमें इसका जिक्र है। इसके अलावा ऊर्जा परिवर्तन को लेकर मेजबान भारत की तरफ से जो सारांश जारी किया गया है, उसमें भी इसे जगह मिली है। इसी तरह से G20 के बाकी डॉक्यूमेंट्स में भी इस शब्द का उपयोग है। लेकिन अब चीन का तर्क है कि आप G20 के डॉक्यूमेंट्स में वसुधैव कुटुंबकम शब्द का उपयोग नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक संस्कृत भाषा का शब्द है और इस भाषा को UN की तरफ से मान्यता दी गई 6 आधिकारिक भाषाओं में शामिल नहीं किया गया है। वैसे जो जानकारी मिली है, उसमें बाकी सारे सदस्य देश भारत के साथ हैं और कह रहे हैं कि ये मेजबान राष्ट्र है और इसकी अध्यक्षता करने वाले देश का विशेष अधिकार है, लेकिन चीन संस्कृत शब्द को शामिल करने पर जरा भी सहमत नहीं है। हर मीटिंग में लगभग विरोध दर्ज कराता है चीन, और इस बार भी ऐसा कर रहा है। ये वही चीन है जिसके विदेश मंत्री जब भारत आते हैं SCO समिट में, तो वो अपने कल्चर की तरफ हाथ मिलाने की जगह हाथों से एक आकृति बनाते हैं और प्रणाम करने की जगह अपना ही संस्कृति इस्तेमाल करते हैं। उसे भारत के वसुधैव कुटुंबकम से दिक्कत है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।